मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, आई एम हियर विद योर एसएसटी लेक्चर. सो टुडेज़ लेक्चर इज गोना बी इंटरेस्टिंग बिकॉज द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. इज अबाउट अ रिलीजन. हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है. इट्स अबाउट अ रिलीजन. हमारे डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर एसएसटी बुक्स. यस, टेक आउट योर एसएसटी सोशल स्टडीज पेज नंबर 84, चैप्टर नंबर 14. यस स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन्ड? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. बिफोर वी डिस्कस अबाउट द रिलीजन, बेटा व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन है क्या? रिलीजन क्या है? रिलीजन इज अ बिलीफ. वो हमारा यकीन है, हमारा मजहब है कि हम किस चीज पे बिलीव करते हैं और किस की टीचिंग को हम फॉलो करते हैं और किसकी टीचिंग को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है. सो आवर बिलीफ इज दैट देयर इज वन गॉड अल्लाह, बट नो एनी अल्लाह के अलावा कोई भी गॉड नहीं है. एंड हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, तो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं. तो ये हमारी ईमान है. वी आर द मुस्लिम, हम मुसलमान हैं. और हम सबकी कॉमन एक प्लेस होती है, वर्शिप प्लेस, दैट इज द मोस्क और द काबा. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैनी रिलीजन्स. जो रिलीजन बहुत से हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में, तो सम ऑफ देम हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे. रिलीजन के बारे में, उनकी होली बुक के बारे में, उनके फॉलोअर्स के बारे में, और जो किसकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं. एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द वर्शिप प्लेसेस ऑफ दैट रिलीजन्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम डिफरेंट पीपल हैव हैड डिफरेंट बिलीव्स अबाउट गॉड, अबाउट अल्लाह, एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स शुड कंडक्ट देयर लाइव्स ऑन अर्थ. तो फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता था, पीपल्स के माइंड में ये क्वेश्चन, पीपल थिंक अबाउट दैट कि वो खुदा के बारे में बहुत से बिलीव्स थे उनके दिमाग में, तो किस तरह वो दुनिया पे आए, उन्हें कैसे रहना चाहिए. तो इस तरह उस वक्त उनको कुछ क्लियर नहीं था. पीपल्स, जो अर्ली पीपल्स थे, वो कुछ भी देख के उसको खुदा मान लिया करते थे. खुदा अल्लाह ताला के करिश्मे देख के, सूरज को देख के, उसको देख के, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि इन सब के पीछे कौन है, इन सबको बनाने वाला कौन है. ओके, सो टुडे दीज बिलीव्स आर कॉल्ड रिलीजन. आज इन बिलीव्स को हम बोलते हैं रिलीजन. ठीक है, कुछ लोगों का कोई बिलीव था, कुछ का क्या बिलीव था, जिस तरह से उनके फॉलोअर्स आते गए, वो उस रिलीजन को, उस बिलीव को अपनाते गए, एंड दैट इज कॉल्ड नाउ अ रिलीजन. अब उसे हम रिलीजन कहते हैं. ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसकी टीचिंग्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रिलीजन. वो हमारा रिलीजन कहता है. ठीक है, रिलीजन वर स्प्रेड बाय पीपल कॉल्ड प्रॉफिट्स हु हैड बीन चोजन बाय अल्लाह. सो जब अल्लाह ताला ने एक दुनिया बनाई, कायनात बना दी, उसके बाद क्या किया, अपने बंदों को गाइड करने के लिए प्रॉफिट भेजे. ठीक है, नबी भेजे, अंबिया किराम भेजे, ताकि वो जमीन पर जाके लोगों को इस चीज की नोहाव दें और जिंदगी गुजारने के तरीके बताएं, और बताएं कि सिर्फ एक खुदा है जो सब चीजों को, सब हर चीज को बनाने वाला है. सो वो प्रॉफिट्स अल्लाह ताला ने चूज किए और उनको भेजा, दुनिया पर भेजा, ताकि वो टीचिंग्स अपनी जो है इस्लाम की टीचिंग्स को प्रीच करें. ओके, हिज विशेस एंड कमांड वर रिवील्ड टू प्रॉफिट्स एंड सम वर आल्सो ग्रांटेड डिवाइन बुक्स. तो इस तरह अब कुछ अंबिया ग्राम आए, उनको अल्लाह ताला ने उनपे एक किताबें, डिवाइन बुक्स, जिन्हें होली बुक्स कहा जाता है, वो बुक्स भी अल्लाह ताला ने उनपे उतारी, उनपे नाजिल की, ताकि उन बुक्स की रोशनी में वो अपनी जो उनकी है कौम है, उम्मत है, उसको वो क्या कर सके, गाइड कर सके, और किस तरह अल्लाह ताला की तरफ लेकर आए और उनको बताएं कि जो भी बिलीव्स हैं आपके, इसके अलावा ऑल आर फेक, वो सारे गलत हैं, वो सारे फॉल्स हैं, वो सारे झूठे हैं. सो मैनी पीपल लिसन टू द प्रॉफिट्स एंड रिलीजियस लीडर्स एंड फॉलो देयर टीचिंग एंड द वर्ड्स एंड टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट्स हैव बीन रिटन डाउन इन द होली बुक्स. तो बहुत से लोगों ने, जब उनको लॉजिकल बातें मिली, जब उन्होंने प्रॉफिट्स और लीडर्स को देखा, उनकी टीचिंग्स पे अमल करना स्टार्ट किया, तो बहुत से लोग जो थे उन्होंने अपने लीडर्स की बात को सुनना शुरू किया, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया, और वो टीचिंग जो है, जो टीचिंग वो कर रहे हैं, वो उनकी होली बुक्स में राइट डाउन है, रिटन है, जो कि अल्लाह ताला ने उनको उतारी है, ये नाजिल की है. द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड मुस्लिम.
Okay, we are the Muslim. Our religion is Islam. Okay, our religion is Islam. We are the followers of Islam and we are Muslim. They believe in one Allah. Their faith is that Hazrat Muhammad was Allah's last prophet and the Holy Quran was as revealed to Hazrat Muhammad is the final word of Allah. So, हमारा बिलीव है अल्लाह ताला एक है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी है एंड जो किताब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई दैट इज द होली कुरान, कुरान पाक. दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ अल्लाह. ये अल्लाह ताला की तरफ से लास्ट बुक थी और लास्ट वर्ड्स हैं अल्लाह के जो हम तक पहुंचे, हम तक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाए. तो ये अल्लाह ताला के लास्ट वर्ड्स हैं. इस्लाम डज नॉट अलाउ टू वर्शिप एन आइडल अ पिक्चर ऑफ अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लम और एनी अदर लीडर्स. इस्लाम इस चीज को कभी भी परमिशन नहीं देता कि हम किसी के भी पिक्चर को बनाए, बुत बनाए, उनकी वर्शिप करें. इवन अल्लाह ताला की हमने कोई पिक्चर हमने देखी है और ना ही हमने अल्लाह ताला की कोई पिक्चर बना के कभी हमने वर्शिप किया है. ना हजरत पाक सल्लम की, हजरत पाक सल्लम की भी नहीं की. और अल्लाह ताला हमारे मजहब इस चीज की परमिशन भी नहीं देता कि हम किसी भी चीज को पूजे, उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें सिवाय अल्लाह ताला के. So other religions have their own prophets and their own holy books. बाकी जो religions हैं उनके अपने prophets हैं, अपनी holy books हैं. The Quran also mentioned the name of many prophets and their divine books. Among these are Musa, Moses Hazrat Musa and Jesus Hazrat Isa. So other prophets जो अल्लाह ने send किए जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए, अब उनका देखें कि उनका भी जिक्र है. जो हमारी होली बुक कुरान पाक है, जो लास्ट वर्ड है अल्लाह ताला का, उसमें उनका भी जिक्र मौजूद है. जिनमें किनका? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है. ठीक है, जुदिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन. जुदिज्म क्या है? एक ओल्डेस्ट रिलीजन है, बहुत पुराना रिलीजन है. इट वॉज प्रीच्ड बाय द हजरत मूसा टू हूम गॉड गेव द होली बुक तौरा, तौरात. इट बिलीवर्स are called Jews and the Jews pray in the synagogue. The students kya Judaism kya thi? Judaism ek oldest religion hai, ek bahut purana religion hai, jisko kiske zariye preach kiya gaya? Hazrat Musa alaihis salam, Moses Hazrat Musa alaihis salam ne usko preach kiya to God give the holy book. Aur jo book Allah taala ne Hazrat Musa alaihis salam ko di thi, Torah se Torah bolte hain, uski teachings से ही, उसकी टीचिंग ही आपने अपनी कौम को और अपने लोगों को उसकी टीचिंग्स दी. और जो आपको फॉलो करते हैं वो कौन होते हैं? उसको बोलते हैं ज्यूज. ठीक है, इट बिलीवर्स आर कॉल्ड ज्यूज. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो उनके बिलीवर्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्हें हम ज्यूज बोलते हैं. एंड द ज्यूज प्रे इन द सिनेगॉग. अब उनकी भी एक वर्शिप प्लेस होती है जिसको हम सिनेगॉग बोलते हैं. ठीक है, सिनेगॉग उनकी एक वर्शिप प्लेस है. जैसे हमारी है खाना काबा है, तो होली काबा हमारी हमारी वर्शिप प्लेस है, मॉस्क है. और इनके और इस तरह हर रिलीजन के अपने फॉलोअर्स भी, उनके फॉलोअर्स भी होते हैं, रिलीजन भी होते हैं, होली बुक भी होती है और उनकी वर्शिप प्लेस भी होती है. तो इस तरह जुदिज्म की हमने देखी, जुदिज्म प्रीच बाय हजरत मूसा और उनकी जो होली बुक थी दैट इज तौरा एंड इट बिलीवर्स आर कॉल्ड ज्यूज. ठीक है, और ज्यूज कहां प्रेयर करते हैं? सिनेगॉग में प्रेयर करते हैं. एंड द नेक्स्ट रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट हजरत ईसा. जो क्रिश्चियनिटी है वो हजरत ईसा की टीचिंग्स पे फॉलो पे बेस करती है. तो क्रिश्चियनिटी जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने वाले हैं, उनके रिलीजन को क्रिश्चियनिटी बोलते हैं. एंड द होली बुक इंजील, इंजील इज द होली बुक ऑफ हजरत ईसा, जो हजरत ईसा पे नाजिल की गई. क्रिश्चियनिटी और उनके फॉलोअर्स को क्रिश्चियंस बोलते हैं. क्रिश्चियंस की जो होली बुक है दैट इज कॉल्ड इंजील, उसे हम इंजील बोलते हैं. और इस मजहब के फॉलोअर्स को हम क्रिश्चियंस कहते हैं. एंड देयर वर्शिप प्लेस इज चर्च. दे वर्शिप इन द चर्च. वो चर्च में वर्शिप करते हैं, वो चर्च में क्या करते हैं? इबादत करते हैं. ठीक है, और रिलीजन इज इस्लाम, होली बुक इज होली कुरान, फॉलोअर्स आर मुस्लिम एंड वर्शिप प्लेस इज काबा, होली काबा. होली काबा इज और वर्शिप प्लेस. द नेक्स्ट रिलीजन वी विल डिस्कस अबाउट इट, इट इज क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी होली बुक इज बाइबल, फॉलोअर्स क्रिश्चियंस और वर्शिप प्लेस अ चर्च. दिस इज द चर्च. स्टूडेंट्स, चर्च में जो क्रिश्चियंस हैं वो प्रे करते हैं. द वर्शिप प्लेस इज द चर्च.
and they follow the teaching of Hazrat Isa al-Islam. They follow the teaching of Hazrat Isa al-Islam, and Muslims follow the teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, next is the Zoroastrianism. Zoroastrianism is a religion, and it began about 4000 years ago in the Persia, now in Iran, and with the teaching of Zoroaster. Zoroaster ke teaching ke saath isko start kiya gaya, and the people who follow this religion are called Zoroastrians. Parsis bhi bolte hain inko. Their holy book is called Avesta, and they pray in the fire temple. और ये फायर टेम्पल में क्या करते हैं, प्रे करते हैं. इनके जो है जिसके टीचिंग को फॉलो करते हैं उसको ज़ोरास्ट्र बोलते हैं. ओके, और ये कब स्टार्ट हुई, इट बिगन अबाउट द 4000 इयर्स अगो इन द पर्शिया. पर्शिया इज नाउ ईरान. ओके, विद द टीचिंग ऑफ ज़ोरास्ट्र. ज़ोरास्ट्र एंड देयर वर्शिप प्लेस इज फायर टेम्पल. देयर वर्शिप प्लेस इज फायर टेम्पल. यू कैन सी अ फायर टेम्पल ओवर हियर. दिस इज द फायर टेम्पल. इनकी वर्शिप प्लेस क्या है, फायर टेम्पल. Okay, next religion is Hinduism. Hinduism is based on the teaching of the Vedas. Vedas, Bhagavad Gita, and it is the holy book of Hinduism. Vedas, Bhagavad Gita, or then followers are called Hindus, and their worship place is Mandir. Inki worship place kaun si hoti hai, Mandir hoti hai. Inke follower ko Hindus bola jata hai. ठीक है, इनकी डिफरेंट बुक्स होती है, विदास, भागवत गीता. इनको ये इनकी टीचिंग पे ये क्या करते हैं, अमल करते हैं. दे आर द फॉलोअर्स ऑफ दीज टीचिंग, दीज बुक्स. इन बुक्स के ये फॉलोअर्स होते हैं. इनकी वर्शिप प्लेस क्या है, मंदिर, जहां जाके ये अपनी इबादत करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज सिक्स. नेक्स्ट रिलीजन इज अबाउट द सिक्स. फॉलो द टीचिंग ऑफ गुरु नानक एंड द नाइन गुरुज. जो गुरु नानक और नाइन गुरुज की टीचिंग को जो है फॉलो करते हैं, और टीचर्स हु कम आफ्टर हिम, और जो उनके बाद टीचर्स आए उनकी उनकी टीचिंग्स को. द होली बुक ऑफ द सिक्स इज गुरु ग्रंथ साहिब एंड सिक्स वर्शिप इन द टेम्पल कार्ड गुरुद्वारा. और जो सिक्स सिख है ना, वो गुरुद्वारे में जाके अपनी इबादत करते हैं. तो सिख गुरुद्वारा, आई हैव अ सिख गुरुद्वारा, पिक्चर ऑफ सिख गुरुद्वारा इट इज माई हैंड. तो ये सिख गुरुद्वारा है, सिख गुरुद्वारा. सिख यहां जाते हैं और जाके अपनी क्या करते हैं, इबादत करते हैं. सिख फॉलो द टीचिंग ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु ग्रंथ और जो नाइन गुरुज हैं उनकी, और उनके बाद जो आने वाले टीचर्स हैं उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं सिख. ठीक है, इनकी वर्शिप प्लेस है, सिख गुरुद्वारा बोलते हैं. बुद्धिस्ट फॉलो द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा. अब बुद्धिस्ट जो है वो गौतम बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते हैं. बुद्धा लिव इन इंडिया अबाउट 2500 years ago, and the religion he taught is called Buddhism, and Buddhist worship in temple. Buddhist कहाँ worship करते हैं, एक temple में करते हैं. कहाँ करते हैं, temple में करते हैं. So another religion is Buddhist, and their followers are called Buddha. Follow the teaching of Gautama Buddha. They follow the teaching of Gautama Buddha, and Buddha lived in the India 2500 years ago. The religion he taught is called Buddhism, and Buddhist are the followers of Buddhism. Buddhist, they worship in the temple. Their worship place is the temple. Unki worship place kaun si hai? Temple. Wo temple mein apni ibadat karte hain. Okay? So students, you can see the Sikh Gurdwara and Buddhist temple on your book as well. Aapki book pe bhi hai ye dono places, worship places. एक प्लेस किसकी है, सिख गुरुद्वारा. सिख वहां सिख की वर्शिप प्लेस है, वर्शिप प्लेस है. एंड सेकंड है जो बुद्धिस्ट टेंपल है. बुद्धिज्म इज द रिलीजन एंड बुद्धिस्ट आर द फॉलोअर्स एंड देयर वर्शिप प्लेस इज द बुद्धिस्ट टेंपल. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन द लेसन वी हैव डिस्कस अबाउट द मैनी रिलीजन. We discuss about the Islam, Christianity, Zoroastrianism, Hinduism, and Sikhism and Buddhism. हमने इन religions के बारे में पढ़ा. There are many religions. इन religions को हमने touch किया. आज उनकी teachings के बारे में पढ़ा.
ओके, इनके फॉलोअर्स के बारे में, हॉली बुक्स और वर्शिप प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया. सो स्टूडेंट्स, मैच द प्लेसेस वर्शिप विद द रिलीजन. अब आपके पास सिखिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रिज्म एंड हिंदुइज्म, ये पिक्चर्स हैं आपके पास, और इन पिक्चर्स को आपने एग्जैक्ट जो रिलीजन है उसके साथ आपने इनको मैच करना है. यू हैव टू मैच दिस पिक्चर विद द एग्जैक्ट रिलीजन. और रिलीजन जो भी इनकी वर्शिप प्लेस है, वर्शिप प्लेस को आपने मैच करना है एग्जैक्ट रिलीजन के साथ. ठीक है, सो आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू कैन इजिली डू दिस, आप इसको इजिली कर सकते हो. एंड यू हैव टू डू दिस, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम योर नोट्स. आप अपने नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद कंप्लीट द फैक्ट फाइल अबाउट अ डिफरेंट रिलीजन. फैक्ट फाइल है, डिफरेंट रिलीजन है. फर्स्ट इज द इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म. अब इनके इनकी हॉली बुक्स के बारे में आपने राइट डाउन करने हैं. कुरान पाक, क्रिश्चियनिटी बाइबल, जुडिज्म तौरा, फॉलोअर्स मुस्लिम. ओके, इस्लाम मुस्लिम, क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी एंड जूस जुडिज्म. ओके, द नेक्स्ट यू हैव टू मैच द कॉलम विद द मैच द दिस प्रॉफिट्स एंड रिलीजन टीचर विद द रिलीजन दे स्टार्टेड. आप इनके रिलीजन टीचर्स को आपने इनके रिलीजन के साथ मैच करना है. कौन कौन सा रिलीजन, किस रिलीजन टीचर की या किस प्रॉफिट की टीचिंग है उसको आपने मैच करना है. सो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे बहुत से प्रॉफिट जो दुनिया में आए, सबसे पहले कौन से थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम. हम सब उन्हीं की औलाद हैं. हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, हजरत मूसा एंड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट. हमारे सबसे पहले जो हमारे जो प्रॉफिट थे, दैट इज हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे. ठीक है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आए, उन्होंने भी अपनी कौम को अल्लाह ताला की जो है वहदानियत के बारे में बताया. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी बताया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने फॉलोअर्स को बताया. और सब ने जो 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 इनके बुक्स अल्लाह ताला ने इनको अता की, उन बुक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने इस्लाम की टीचिंग्स जो हैं वो अपने अपने फॉलोअर्स को या अपनी अपनी कौम को पहुंचाई. सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस. व्हाट इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स कॉल्ड? कुरान पाक, होली कुरान. हाउ आर द पारसीज? हु आर द पारसीज? पारसीज कौन है? व्हेन डिड बुद्धा लिव? एंड व्हाट इज द बाइबल? स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं ऑन योर नोटबुक्स, अपनी नीट नोटबुक्स. इन क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है. यू हैव टू लर्न दिस लेसन, लेसन नंबर 14 फ्रॉम योर बुक. यू हैव टू सॉल्व द वर्क पेज पेज नंबर 87 एंड लर्न दिस लेसन फ्रॉम बुक एंड नोट्स एज वेल. नोट्स से आपने फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग लेटर्स, जो भी इसका मटेरियल है, इसका मैटर है एक्सरसाइज में, आपने इसको कंप्लीट करना है ऑन योर नीट नोटबुक्स. ओके, आई होप कि आपने आज बहुत ज्यादा लर्न किया होगा फ्रॉम दिस लेक्चर. यू हैव लर्न्ड अबाउट द रिलीजन, देयर फॉलोअर्स, देयर वर्शिप प्लेसेस. सो स्टूडेंट्स, नाउ कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम. डू लाउड रीडिंग ऑफ दिस लेसन. इस लेसन की आपने खुद भी रीडिंग करनी है. ओके, और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को सर्च आउट करें, उनको प्रैक्टिस में लेकर आए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.